राम राम भाई, सारे भाई ने ये दो भाई रहे छा फुटे की बच्ची एक नंबर लुक में सुना दे। कौन सा गांव भाई? मेरा वो बुलंदशहर जिला है। बुलंदशहर वेस्टर्न यूपी खतरनाक जोन है भाई, ठीक है अपना भाई। अलीगढ़ से। अलीगढ़ एक नंबर का फौजिया का माहौल है भाई, मेरे बहुत यार दोस्त है अलीगढ़ में। सुना दो भाई, तो यो है भाई कौन सा है भाई सेंटर बता दो तुम। ये है BSF चावला कैंप। चावला कैंप BSF, ठीक है नजफगढ़ के पास में है भाई। जो भाई तो बताओ भाई किस टाइम यहाँ पे क्या चल रहे हैं भाई? कुक के BSF ट्रेड्समैन कुक के लिए चल रहे हैं भाई। कुक के बारे में सारी जानकारी ये भाई देंगे। सुनाओ भाई किस टाइम एंट्री हुई, कैसे क्या हुआ था भाई? हम 5:30 बजे लाइन में लगे थे, 6 बजे एंट्री चालू हुई। अच्छा, पहला ग्रुप जो दौड़ा 8:30 बजे दौड़ा और उसके बाद हमें ग्राउंड में बैठा दिया गया। पहला ग्रुप 8:30 बजे दौड़ा, 6 बजे दौड़ा था पहला, उसके बाद दूसरा 8:30 बजे दौड़ा। अच्छा अच्छा, पहला 6:30 बजे दौड़ा था, दूसरा 8:30 बजे, उसके बाद तीसरा मैच को पता नहीं है कितने बजे दौड़ा था, बारिश आ गई थी। अच्छा अच्छा, ग्राउंड कैसा है भाई? तो ग्राउंड बढ़िया है, नंगे पैर दौड़ने के लिए ठीक है यार? नहीं, 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 नंगे पैर दौड़ने के लिए सही नहीं है, छाले हो जाएंगे। अच्छा, पैर छिल सकते हैं? डाबर वाला रोड है। अच्छा, ये रोडी पत्थर है तो इसके लिए भाई अपने जूते पैर लो तो बढ़िया रहेगा। और भाई डॉक्यूमेंट में क्या क्या देख रहे हैं? कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड है या नहीं है? कोई और मूल निवास, जाति सेंटर का होना चाहिए अगर OBC से हो तो। अगर OBC से हो तो जाति सेंटर की चलेगी, यहाँ की ही चलेगी। अगर जनरल हो तो जाति का मतलब ही नहीं। अच्छा हाँ, सही बात है, जनरल लड़ा ना कोई चक्कर। उसके बाद और वो होटल का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो चाहिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था यार अगर होटल के सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस में अगर डेट गलत हो रही हो तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 फोटो रिजेक्शन मिलेगा, 5 फोटो चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे भाई, गलती है तो कहीं भी। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, उसके बाद फिर ट्रेडमैन के लिए ट्रेड के लिए चेक करने के लिए भेजा जा रहा है। अच्छा, मेन वो बताओ भाई ट्रेड्स में क्या क्या चेक कर रहे हैं भाई? क्या रोटी भी बनवा के दिखवा रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं 1 किलो चावल में कितना पानी पड़ेगा। अच्छा, पनीर कैसे बनेगा, शाही पनीर कैसे बनेगा, मटन कैसे बनेगा। अच्छा, मुर्गा कैसे बनेगा, सब पूछ रहे हैं। अच्छा, ये चिकन सलाद कैसे काटते हैं, सलाद। अच्छा, कटवा के देख रहे हैं। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं, बस यही सब पूछा था। रोटी बना का कोई सा? रोटी तने बताई थी? चलो वो तो एक नंबर गोल रोटी बना दी। अगर 3 गोल नहीं बढ़िया सिस्टम, मोटी ना ज्यादा पतली, डायरेक्ट रिजेक्ट। बढ़िया, चाहिए मामला 1 नंबर का। चलो, उसके बाद भाई ट्रेड टेस्ट के बाद है? कुछ भी नहीं, उसके बाद बिठाया और हमारे वो जो चेस्ट नंबर थे वो सबमिट करे, उसके बाद बाहर भेज दिए। मेल पे आ जाएगा हमारा मैसेज अगर पास होगा तो, या 3 दिन में पता लग जाएगा। अच्छा, मेल पे क्या आएगा कि मतलब एग्जाम देने के लिए जाना है या नहीं? क्वालिफाइड है तो मतलब मेल पे आते ही जो मेल आएगा जिनका उन एग्जाम देना उन भाइयों ने, और जिनका नहीं आता वो रह जाएंगे। उस पर लिखा जाएगा क्वालिफाइड या नहीं क्वालिफाइड। अच्छा, बता देंगे रिजल्ट। चलो, पूरे इंडिया में 2700 है ना ये? जी 2700 है पूरे इंडिया में। 208 है अपनी यूपी के लिए, 208। अच्छा, यूपी में 208 है यार? यूपी के हरियाणा में और दिल्ली में सारे यूपी के आ रहे हैं, देवरिया, बहू, बक्सर, चंदौली, गाजीपुर, ये सारे आ रहे हैं। पहली बार मिले तुम इस एरिया से? ये तो वेस्टर्न यूपी है, बहुत अलग है वो तो, भोजपुरी जोन है, अलग सिस्टम उनका। चलो, यही थी भाई कुछ और मेन बात थी? नॉर्मल है बस। गाड़ी अलाउड है भाई? हाँ, गाड़ी अलाउड है। अच्छा, और टाइम बता रहे हैं भाई वो? हाँ, टाइम भी बता रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, जगह जगह पानी भी रखा हुआ है और टाइम भी बता रहे हैं, मोटिवेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत वो मोटिवेट कर रहे हैं, चलते रहो कोई चक्कर नहीं। और कितने मीटर का एक चक्कर है भाई? 2250। दो चक्कर लग रहे हैं फिर? 2250 मार के उसके बाद 500 मीटर का फिर फिनिशिंग। अच्छा, फिनिशिंग करनी है 500 फिनिशिंग, दो चक्कर लगेंगे 2250 मीटर के, फिर 500। हाँ, उसके बाद 500 फिनिशिंग, 500 की फिनिशिंग का चलेगा मामला, ये है। चलो भाई, कितने दिन तैयारी करी तुमने? भाई हम तो आर्मी वाले हैं। और आर्मी वाले खून कहाँ से रोगे तू भी? 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं। 1600 की? चलो अग्निवीर, चलो यार के करें, समझ गया मैं। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया ने, ये भाई 1 नंबर के दे।